होपोक ने यार रिसेंटली एडो सीरीज में एक और एयरफोन्स लॉन्च किए हैं, ये हैं H25 एंड आप लोग को जल्द ही इंडियन मार्केट में ये देखने के लिए मिल जाएंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर फंक्शन मिलते हैं, क्या इसको लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो वीडियो को एंड देखना ही होगा, साथ साथ लाइक कर दो इन चैनल को सब्सक्राइब कर। इस वीडियो में मैं आपको एक कूपन दूंगा जिसको यूज करते हुए आप 100 रुपीज का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, बट वो आपको मिलेगा जस्ट एंड होने से पहले, तो वीडियो को एंड जरूर देखिए। सबसे पहले बढ़ते हैं भाई अनबॉक्सिंग पार्ट पे। बड़ी बड़ी ब्रांडिंग के साथ आपको प्रोडक्ट देखने मिल जाता है जहां से बेस आइडिया लग जाएगा किस टाइप की ये हेडफोन्स होने वाले हैं। ये है एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विद डीसेंट पैकेजिंग। निकालेंगे आपको कुछ पेपर वर्क, टाइप सी वाला चार्जिंग केबल एंड आपके ईयरफोन्स मिल जा रहे हैं जो कि काफी कॉम्पैक्ट शेप में आ रहे हैं। एंड इवन दो आप अपनी जेंस की कोइन पॉकेट में इनको इंसर्ट कर सकते हैं इजीली, काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन है, सो कैरी करना कहीं भी दिक्कत वाला चीज नहीं है। बेल्ट की जहां तक बात आती है तो डुअल टोन इन्होंने डिजाइन यूज किया हुआ है भाई। मैच फिनिश भी आपको मिलती है, ग्लोसी फिनिश भी आपको देखने मिलती है। सामने होपोक की ब्रांडिंग देखने मिलेगी, नीचे की तरफ एक इंडिकेटर है, बैटरी हेल्थ को इंडिकेट करेगा, साथ में टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट, काफी मिनिमल सा ही डिजाइन यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है। जहां तक ईयरफोन्स की बात है, ये आ रहे हैं हाफ इन ईयर डिजाइन के साथ एंड मैं बड़ा फैन नहीं हूँ हाफ इन ईयर डिजाइन का, बट जी हाँ जब मैं इनको यूज कर रहा था आई कैन यूज इट लाइक फुल लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी पेन, डिस्कम्फर्ट नहीं आता, तो आप इनको रनिंग एंड जॉगिंग में डेफिनेटली यूज कर पाएंगे। साथ साथ IPX4 भी मिल जाता है, विच मीन अगर जिम वगैरह के टाइम या रनिंग जॉगिंग के टाइम पे स्वेट आता है तो झेल जाते हैं ईयरफोन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी पार्ट के लिए 5.3 मिलता है जो कि लेटेस्ट ब्लूटूथ है एंड इजीली पेयर हो जाएगा आपके iOS, Android, इवन दो विंडोज सिस्टम के साथ बिना कोई प्रॉब्लम। एंड 15 मीटर की एक डिसेंट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रेंज आपको प्रोवाइड करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 मीटर तक जाएंगे, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी आपके कनेक्शन में। वंस यू आर डन कनेक्टिंग दीज ईयरबड्स विद योर स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइस, देन यहाँ पे एक साउंड आएगी रेडी टू लीव स्ले रूल एंड बिना किसी फिक्र के आप इसको यूज कर सकते। बट जो एयरफोन्स का बेस्ट सेक्शन होता है, दो सेक्शन होते हैं, फर्स्ट कंफर्ट, सेकंड साउंड क्वालिटी। कंफर्ट वाइज हमने चेक कर लिया, रियली ग्रेट एयरफोन्स है, आपको काफी कम वेट मिलता है एंड आप इनको अगर पहन रहे तो आपको फील नहीं होगा यार कि आपने इनको पहना हो, बिकॉज ईच एयरफोन्स है 3 ग्राम वेट एंड विद केस भी ज्यादा वेट ये कंटेन नहीं करते। बट बेटर साउंड आउटपुट के लिए हमें 13 mm के ड्राइवर मिल जाते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस रिव्यू देखे हाफ इन ईयर डिजाइन जो एयरफोन्स होते हैं उनका, तो मैं काफी बार बताता हूं भाई बेस इज नॉट दैट ग्रेट एंड जी हाँ वही प्रॉब्लम इस टाइप के एयरफोन्स में होते हैं, बट नॉट विद दिस वन। काफी अच्छा बेस, काफी अच्छी साउंड क्लैरिटी, दोनों ही चीजें बढ़िया बन जाते हैं एंड इवन दो अगर स्मॉल वर्ड में बोलो वॉइस प्रोसेसिंग इज रियली अमेजिंग। तो जिसकी वजह से म्यूजिक लेवल, साउंड आउटपुट, बेस, मिड, लो, एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट एंड कंसीडरिंग द बजट, बजट बताऊंगा नहीं वो आपके लिए सस्पेंस है, आपको पता चल जाएगा लॉन्च में क्या इसका प्राइस रहने वाला है। एंड अगर आपको परचेज करना लॉन्च पे कर लीजिए क्योंकि यार बाद में प्राइस इंक्रीज हो सकता है। साउंड हमने सुन ली, बट व्हाट अबाउट टच सेंसर है? टच सेंसर के लिए ही मोस्टली पीपल ईयरफोन्स को लेते हैं क्योंकि वही कन्वीनियंट चीज होती है। अगर आप इससे म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज ग्रेट, बट बता दो क्या क्या कंट्रोल कर पाएंगे? म्यूजिक को प्ले करना है, पॉज करना है, प्रीवियस पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, वॉल्यूम कंट्रोल करनी है, वॉइस असिस्टेंट कंट्रोल करना, विच मीन जो भी सारे कंट्रोल्स होते हैं आपके ईयरफोन्स पे अवेलेबल है। एंड बाय डिफॉल्ट दीज ईयरफोन्स हैव 40 ms लो लेटेंसी फॉर गेमिंग। जी हाँ, अगर आप गेमिंग करते हैं मिड लेवल या फिर ये तो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तब भी आप गेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट एनी वरी एंड कहीं से जाके एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा यार, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो चीज़ यहाँ पे ऑन होती है। मैं ट्राई किया COD एंड रियली यार अमेजिंग आउटपुट आपको मिल जा रही है। चाहे हम बात करें इसके फुटस्टेप की, वॉइस सेपरेशन की या फिर लेटेंसी की, जी हाँ गेमिंग के लिए वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है एंड हर मामले में आपको ईयरफोन्स काफी अच्छे मिल जाते हैं इवन दो आउटपुट इज गुड। बट माइक्रोफोन भी अच्छा होना चाहिए बिकॉज गेमिंग में होती है टू वे कन्वर्सेशन, अगर आप सामने वाले को सुन पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 13 mm ड्राइवर एंड एक ग्रेट साउंड आउटपुट। बट व्हाट अबाउट माइक्रोफोन परफॉर्मेंस? सो आई वुड से जब मैंने इसको टेस्ट किया आउटडोर नाइट में, स्टिल आउटडोर लिटिल बिट नॉइसी बट नॉट दैट मच नॉइसी। माइक्रोफोन कैन मैनेज द
ओवरऑल वॉइस क्वालिटी, एंड मैं बोलूंगा लाइक एवरेज साइज माइक्रोफोन इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट जी हाँ प्राइस जो इसका होने वाला है उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा माइक्रोफोन आपको मिल जाता है। एंड इस वजह से जो ईयरफोन्स होते हैं दूसरे वाले उसका माइक्रोफोन आप यूज करना भी प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज काफी डिस्टर्बेंस होता है इवन दो आप बैठे हैं आपके रूम के अंदर, तो वो चीज यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। तो गाइस ये है होपअप के AirPods H25 जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, इनका माइक्रोफोन टेस्ट हो रहा है अभी आउटडोर कंडीशन में ताकि आप लोग की बेटर आइडिया लग जाए कॉल आउटपुट का, एंड क्या आप उसको माइक्रोफोन के लिए या फिर आउटडोर कॉलिंग के लिए प्रेफर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो सारी चीजें तो चलती रहती है, बट वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। बट यार बैटरी बैकअप काफी कॉम्पैक्ट इन्होंने रखा है, बट क्या बैटरी आपको डिसेंट मिलेगी, तो पूरा जो केस है वो 250 mAh का है, ईच ईयरफोन्स कंटेन 30 mAh बैटरी which is not that significant good number, but output बताता हूँ सिंगल चार्जिंग में आप ईयरफोन से 7 hours क्लेम कर सकते हैं, शायद ही कोई 7 hours continuously earphones को यूज करता होगा, वो जो बैटरी बैकअप 60% वॉल्यूम लेवल पे अचीव है, बट इफ यू आर यूजिंग 100% वॉल्यूम लेवल स्टिल दीज ईयरफोन्स विल मैनेज टू प्रोवाइड यू अप टू 5 hours बैटरी बैकअप विदाउट एनी इश्यू, एंड साथ साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 10 मिनट की चार्जिंग में आपको 1 hour का बैटरी बैकअप मिल पाएगा। केस को चार्ज करने में लगेगा करीबन 1 से 1.10 घंटा, एंड ये फोन्स को चार्ज करने में जस्ट 45 मिनट, सो नॉट दैट बिग नंबर, काफी फास्ट चार्जिंग है एंड ए डिसेंट बैटरी बैकअप यहाँ पे मैनेज करते हैं। सो भाई होपअप को हम आज सब लोग जानते हैं, बट व्हाट अबाउट द आफ्टर सेल सर्विस या प्रोमिसिंग ब्रांड, सो लेट मी क्लियर दैट फॉर यू। होपअप एक प्रोमिसिंग ब्रांड है जो कि आपको एक जेन्युइन आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड आपको प्रोडक्ट के साथ वारंटी कार्ड भी मिलता है जो कि आपको रजिस्टर करना होता है, एंड आफ्टर दैट वारंटी स्टार्ट, एंड इन केस कुछ भी दिक्कत आती है विद इन द वारंटी पीरियड यू कैन कॉन्टेक्ट ब्रांड फॉर द हेल्प एंड दे गोना हेल्प यू आउट टू सॉल्व योर इश्यू। सो मेरे नए फोन में बेस्ट पार्ट क्या लगा, मेरे को क्या चीज बेस्ट लगी, फर्स्ट लाइट वेट कॉम्पैक्ट, दिस इज द अमेजिंग फैक्टर, सेकेंड यार कंसिडरिंग द बजट कंसिडरिंग द प्राइस इट्स गिव यू अमेजिंग फीचर, चाहे वो 40 mAh की लो लेटेंसी हो, चाहे बैटरी बैकअप हो या फिर साउंड क्वालिटी, एवरीथिंग इज प्रीटी गुड। होपअप के AirPods H25 जो है लॉन्च हो रहे हैं 18 को, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके इसको चेकआउट करना मत भूलना। सो द कूपन कोड फॉर दिस प्रोडक्ट इज JSTECH100, यू कैन यूज दिस कूपन ओनली फॉर होपअप AirPods H25, उसके लिए सिर्फ वैलिड है तो आप यूज कर लेना, एंड 100 rupees का और डिस्काउंट मिल सकता है, तो जो इफेक्टिव प्राइस होगा काफी कम होगा आप लोग के लिए। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।